गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी सैम रहती है वो बहुत ज़्यादा फीवर में लतपत रहती है, और जो नेहा रहती है वो उसे बहुत अच्छे से कवर अप करने की कोशिश कर रही रहती है, मतलब ठीक करने की कोशिश कर रही रहती है, बट वो नहीं होती। तभी नेहा को एक चीज़ याद आती है कि इसकी बॉडी शिवर कर रही है, और हॉट भी है और शिवर भी कर रही है। तो उसे याद आता है कि जब भी उसकी बॉडी शिवर करती थी तो सैम उसे हग करती थी, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता था। तो ये सोचकर वो जाती है, उसके बाजू में बेड पे लेटती है और उसे बहुत टाइटली हग करती है। बट टाइटली हग करने के बाद भी उसकी शिवर कम नहीं हो रही रहती है, और उसको ना बहुत ज़्यादा बॉडी कांप रही रहती है। तो वो सबसे पहले क्या करती है, थोड़ा दूर होती है और सैम के क्लॉथ हटाने लगती है। पहले तो सैम के सारे कपड़े उतार देती है वो, और फिर थोड़ी देर में उसे हग करती है। पर फिर भी उसे कुछ नहीं हो रहा रहता है, और सैम बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस में रहती है। उसे समझ में तो आ रहा रहता है कि उसके साथ कुछ हो रहा है, बट वो बोल नहीं पा रही रहती है या कुछ बोलने की हालत में नहीं रहती है। तभी नेहा भी अपने पूरे क्लॉथ्स रिमूव करती है और उसको बहुत टाइटली हग करती है, और करीब उसे अपनी पूरी तरीके से बॉडी देखती है। तब वो उसके लिप्स की तरफ देखती है, और उसे ना इतना ज़्यादा उसकी आंखों में आंसू आ रहे रहते हैं नेहा को, कि ये सैम के साथ कैसे हो गया और मैंने क्यों नहीं उसकी केयर करी। मुझे एटलीस्ट उसको जानना चाहिए था, इतने दिनों में मैंने उसको कॉल क्यों नहीं किया, उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। बहुत सारे सवाल उसके माइंड में आ रहे रहते हैं, उसकी आंखों में से आंसू हो रहे रहते। तभी वो उसकी लिप की तरफ देखती है और उसे किस कर देती है। बहुत देर तक उसे डीप किस कर रही रहती है, और ये पूरी कोशिश करती है कि सैम जो है वो कंफर्टेबल हो जाए उसके साथ। ऐसी करके पूरी रात इन लोगों की ऐसी हग करके, एकदम उसे अपनी टाइटली क्लोज करके, उसे किस करते टाइम वो पूरी निकल जाती है। एंड तो ये दोनों न्यूड रहते हैं ब्लैंकेट के अंदर। जब मॉर्निंग में उठती हैं तो सबसे पहले हमारी सैम की आंखें खुलती है, और वो जब उठ के देखती है कि नेहा ने उसे इतने प्यार से हग किया है, तो वो शॉक्ड हो जाती है कि नेहा यहाँ कैसे आ गई है और नेहा मतलब कब आई। तो वो उठती है और वो नेहा की तरफ देख के बोलती है कि तुम मेरे सपने में हो या तुम रियली में यहाँ हो। तभी नेहा ये सुन लेती है, वो कहती है, टफर यहीं हूँ, सपने में नहीं हूँ, सपना देखना कब बंद करोगी तुम, और तुम्हारी ये हालत हुई कैसे, और तुम्हें इतनी अकल नहीं कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम मुझे कॉल करके बता दो। नहीं, सब कुछ अकेले ही फेस करना है ना तुम्हें, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मुझे क्या फील हो रहा है। ऐसे करके वो इतने गुस्से में उसको सुनाई जा रही रहती है, सुनाई जा रही रहती है। सैम शॉक्ड हो जाती है यार कि क्या हो गया है। फिर नेहा को बोलती, काम डाउन। तो नेहा थोड़ी शांत होती है और फिर उसी तरफ बोलती है, क्या काम डाउन, मेरी जान निकल गई थी जब मुझे पता चला तुम्हारी हालत ख़राब है, रात के 2 बजे आना पड़ा मुझे तुम्हारे पास। तो कहती है, वो तो ठीक है, बट की कहाँ से मिली तुम्हें। तो कहती, डोरमेट के नीचे की कौन रखता है, तुम पहले से ही थीफ को इनवाइट करने रहती हो। कहती है, अच्छा हाँ शायद रखती होगी, ऐसे कह के सैम बोल देती है। तभी नेहा बोलती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, और वो ऐसे करके उठने ही वाली रहती है। तो नेहा उठती है और तब उसको याद आता है, ओह माय गॉड, मैंने तो कुछ पहना ही नहीं है। तो वो ना दूसरी बेडशीट से अपने आप को कवर कर रही रहती है। तभी सैम देखती है कि अपने आप को ऐसे कवर क्यों कर रही है। तभी उसको रियलाइज़ होता है कि उसने भी कुछ कपड़े नहीं पहने। तो कहती है, रात को क्या हो गया था हमारे बीच में, मेरे कपड़े फ्लोर पर क्यों गिरे हैं। सैम जब ये ऐसी बोल रही रहती है तो बहुत क्यूट दिख रही रहती है। तो नेहा उसको बोलती है, कुछ भी नहीं हुआ है हमारे बीच में, ठीक है, मैंने बस तुम्हें बॉडी हिट दी है। तुम इतनी कपकप आ रही थी कि रात का टाइम था कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे, तो अभी हम जाने वाले हैं डॉक्टर के पास, लेकिन उस समय मुझे रात को कुछ समझा नहीं तो मैं तुम्हें सिर्फ बॉडी हिट दी। तो कहती है, अच्छा ओके, सैम बोलती है। तभी नेहा उठती है और जाने वाली रहती है, तो सैम उसका हाथ पकड़ के बोलती है, कहाँ जा रही हो। तो कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए कुछ बनाने के लिए, अगर कुछ खाओगी नहीं तो एनर्जी कैसे आएगी और ये मेडिसिन कैसे खाओगी, तो कुछ बनाती हूँ तुम्हारे लिए खाने के लिए। तभी सैम कहती है, अभी मत बनाओ, बाद में बना लेना, अभी मुझे हग करने दो ना तुम्हें। तो कहती है, नहीं मुझे जाने दो,
और ऐसे करके वो जब जा रही रहती है तो सैम अपनी नॉटी नज़रों से उसी तरफ देखती है और कहती है, कैन आई प्रेस योर बूब्स। नेहा शॉकिंग नज़र से देख के बोलती, क्या तुम होश में भी हो? लगता है बुखार का असर तुम्हारी बॉडी में नहीं, तुम्हारे दिमाग में भी हो चुका है, नेहा बोलती है। तभी सैम बोलती है, कैन आई प्रेस योर बूब्स, आई वॉन्ट टू टच योर बूब्स, आई वॉन्ट टू स्क्यूज इट। तभी नेहा ये सब सुनती है तो बहुत शॉक हो जाती है। अब वो तो इस बार बिना कुछ बोले उठने ही वाली रहती, तभी पीछे से आकर सैम उसको हग करती है और उसका अपने जो हाथ है उसके बूब्स पे रख के उसे प्रेस करने लगती है। नेहा जब ये देखती है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही रहती है और कहती है, इसको हो क्या गया है भाई, ये क्या कर रही है? और पहले तो वो बहुत शॉक्ड हो जाती है, फिर थोड़ा तो इन्जॉय हमारी नेहा भी करने लगती है, फिर उसको एकदम से होश आता है कि ये क्या करने दे रही है। फिर वो उसे धक्का दे के बोलती है, चुप रहो तुम, मुझे जाने दो। और वो फटाक से ब्लैंकेट उठाती है, मतलब बेडशीट उठाती है, अपने आप को कवर करती है, अपने क्लॉथ्स लेके वॉशरूम में चली जाती है। जब वो पूरे पहन लेती है कपड़े, वो फिर यहाँ से सैम के पास आती ही नहीं है। उसके आने से पहले वो किचन में चली जाती है और अपने उसके लिए सूप बनाने लगती है, वेजिटेबल सूप, जो काफ़ी ज़रूरी रहता है उसकी एनर्जी के लिए। उतनी देर में जो सैम है वो तो स्माइल कर रही रहती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा रहता है कि नेहा उसकी केयरिंग करने के लिए पुणे से भाग कर आई है। हालांकि ये बहुत बेस्ट फीलिंग होती है कि जब आप जिससे प्यार करते हो, चाहे आपसे कितना भी दूर हो और वो आपकी एक प्रॉब्लम में आपके पास भाग कर आए, वर्ल्ड की बेस्ट फीलिंग होती है ये। और यही फीलिंग कुछ हमारी सैम फील कर रही रहती है। तो वो उठती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना रहता है, तो वो उठती है और उठ के वो एकदम से गिर जाती है। तभी जो नेहा आती है वो किचन से आती है और बोलती है, तुम पागल हो क्या? और ऐसे, और जो जब वो उठ रही रहती है तो उसकी जो बेडशीट रहती है वो गिर जाती है फ्लोर पे, और वो न्यूड रहती है तो वो खड़ी हो जाती है। तभी जो सैम उसे पकड़ने जो सॉरी सैम को पकड़ने के लिए नेहा जाती है, तो नेहा का एक हाथ उसके बूब्स को टच करने लगा रहता है और वो फटाक से उसे प्यार से बिठाती है और फिर मतलब उसे होल्ड करते करते वो ब्लैंकेट को पकड़ती है, उसे कवर अप करती है। पर फिर भी उसको ध्यान नहीं रहता है कि उसका एक हाथ उसके बूब्स पे ही रखा रहता है, सैम के बूब्स पे। तो ये देख के सैम बड़ी स्माइल कर रही रहती है और वो फिर नेहा ये देखती है कि सैम स्माइल कर रही है, तो उसको देखती है कि ओ माय गॉड, मेरा हाथ उसके ब्रूज पे, वो हटा देती है। तभी नेहा फिर से तभी सैम अपना उसका हाथ पकड़ के फिर अपने ब्रूज पे रखती है और थोड़ा सा लाइटली प्रेस करती है। ये सब जब वो कर रही रहती है तो नेहा वो शॉक्ड हो जाती है कि इसको हुआ क्या है, हो गया है, ये क्या कर रही है? तो कहती है, छोड़ो मुझे, मेरा हाथ। और ऐसे करके वो चाहती है, वो कहती है कि तुम जा कर रही थी? तो कहती है, मैं वॉशरूम जा रही थी। तभी वो कहती है, तो मुझे बता देना चाहिए ना, जब चलते नहीं बन रहा है तो। ऐसे करके वो सबसे पहले फ्लोर से उसकी टी शर्ट उठाती है, वो उसे वो पहनाती है, फिर वो लोअर पहनाती है और उसे होल्ड करके वॉशरूम के पास लेके जाती है। वॉशरूम में अंदर उसे बिठाती है और बोलती है, हो जाए तो मुझे बता देना। थोड़ी देर में ये जब ऐसे इनके वो हो जाता है तो वो चिल्लाती है नेहा, तब वो चिल्लाती है नी। तो नेहा को ये चीज़ याद आती है, नी मुझे तब बोलती है जब ये फ्रेंड जोन में डालती है। ये बात नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती है, तो वो पर सैम की तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो उसे कुछ बोलती नहीं, उसे आती है और बिठाती है और बोलती है, बैठो मैं सूप लेकर आती हूँ। सूप लेने जा ही रहती है तभी नेहा का हाथ पकड़ के सैम अपने बाजू में बिठाती है और कहती है, बस यहीं बैठे रहो, और उसके कंधे पे अपना सर रख के उसे टाइट हग कर दी रहती है। बहुत ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में थी सैम उन दिनों, और ये बात नेहा समझने लग गई थी। तो उसे कहती है, हुआ क्या है, तुम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही हो? तो कहती है, कुछ नहीं, क्या कुछ बात है जो शेयर करना चाहती हो? तो कहती, नहीं। फिर वो एकदम से नेहा का हाथ अपने हार्ट के पास रखती है और कहती है, फील करो। और तो वो देखती है कि बहुत ज़्यादा हार्ट बीट उसकी बढ़ रही रहती है। फिर वो दूसरा हाथ नेहा का उठा के मतलब नेहा के हार्ट बीट पे रखती है और बोलती है, फील करो। दोनों की हार्ट बीट उतनी ही तेज़ी से हो रही रहती है। नेहा शॉक्ड होती है ऐसे बिहेवियर से। तभी सैम कहती है, आई लव यू।
आई एम डफर, मुझे ये फीलिंग्स को समझने में बहुत टाइम लग गया। मैं प्यार से बहुत डरती हूँ नेहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्यार इंसान को कमज़ोर बना देता है, और जब कोई आपका पार्टनर छोड़ के जाता है तो आप डिप्रेशन, सुसाइड, इन सब की स्टेज पे आ जाते हो। मैंने ये अपने दोस्तों को देखा है, मुझसे ये सब चीज़ें हैंडल नहीं होती है। तभी नेहा बोलती है, तुम इस वजह से मुझसे दूर भाग रही थी? तो कहती है, ऑफ कोर्स इसी वजह से, मुझे लगा तुम्हें ये इशू है कि हम गर्ल्स हैं। तो कहती, ए मैं इतनी भी हाँ आउटडेटेड माइंडेड नहीं हूँ, हाँ ठीक है, ओपन माइंडेड गर्ल हूँ मैं। तभी सैम कहती है, नेहा कहती है, तो डफर इसमें डरने वाली क्या बात है, हो गया ना प्यार, डेस्टिनी ने मिलाया है हमें, हो गया प्यार, तो क्या कर सकते हैं, अब तुम ऐसे भागो कि तो भी तुम डिप्रेशन की हालत में पहुंच गई हो। तो कहती, हाँ तभी तो मुझे समझ में आया कि तुमने मेरे ऊपर क्या कर दिया है, कि तुम्हारे बिना भी अच्छा नहीं लगता, और तुमसे दूर जाती हूँ खुद को अच्छा फील कराने के लिए तो भी नहीं रह पा रही हूँ। क्या नेहा? तो कहती, मैंने क्या किया? तुमने किया, जो किया तुमने मेरे साथ जो किया वो गलत नहीं था, अपने प्यार में फंसा लिया मुझे। कहती, मैंने? तो कहती, और किसने? फ्लर्ट करना भी था तो थोड़े संभल के करना चाहिए, करती गई करती गई, प्यार हो गया मुझे तुम्हें से। सैम बोलते, और जो तुम इंकार करती गई, इंकार उस नेचर से मुझे हो गया यार। तो कहती, हाँ ठीक है, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, सो आज से हम गर्लफ्रेंड्स। तभी सैम कहती है, हाँ ऑफ कोर्स, और कुछ भी होते हैं क्या? सर पे मार के बोलते, कुछ नहीं, इसलिए आज तुम्हें बड़ी नॉटी हरकतें सूझ रही थी। कहती, बट मेरे में एनर्जी नहीं है अभी करने की। तो नेहा बोलती, मैं कुछ करने भी नहीं वाली हूँ, टाइम ही कितना हुआ है हमारे, अभी तो आए हैं रिलेशन में, और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी कर लूँगी कुछ, सोचना भी मत। तो कहती है, ठीक है, मुझे भूख लगी है, सूप पिला दो। तो कहती है, हाँ हाँ रुको रुको लेकर आती हूँ। फिर वो उसे बहुत प्यार से सूप पिला दी रहती है, और वो काफ़ी केयर करती है। ये देख के बहुत अच्छी वाली फीलिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी वाली फीलिंग हमारे नेहा को आ रही रहती है। और सेम थिंग सैम के साथ, सेम चीज़ इन लोगों की फीलिंग आ रही रहती है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, इनके रिलेशनशिप्स कहाँ से होता है, कैसे ये लोग अपने रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाते हैं, सब चीज़। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यार, थैंक यू।